सो है गाइस, आप सब कैसे हो? आज एक नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन के रिव्यू के बारे में। जो एप्लीकेशन का रिव्यू क्या है, तुम तो थंबनेल लेके समझ गए होंगे वो एप्लीकेशन रिव्यू क्या है। उस एप्लीकेशन का रिव्यू का मतलब ये है, अगर तुम ऑनलाइन कोई SMS यानी मैसेंजर, फेसबुक और व्हाट्सएप जो भी वगैरह, अगर समझो तुम कोई बिजी हो, तुम्हारा डाटा ऑन हुआ है, अगर तब कोई SMS घुसेगा तो आपको थोड़ा माइंड भी लग सकता है। लेकिन आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इस एप्लीकेशन आपका बहुत ही काम आएगा। ठीक है, समझ लो तुम कोई बिजी काम पे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा डाटा ऑन हुआ है तब भी आपको कोई SMS नहीं आएगा। तुम जितना टाइम कोई मैसेंजर यानी फेसबुक को तुम ब्लॉक करके रख सकते हो, जितना टाइम भी उस टाइम कोई SMS नहीं आपके पास आएगा। तो उस एप्लीकेशन का नेम क्या है? उस एप्लीकेशन का नेम है नेट गार्ड। तुम प्ले स्टोर में जाकर सर्च करो, ठीक है, नेट गार्ड। अपन देख सकते हो फास्ट वाला जो है नेट गार्ड नो रूट फ्यूएल, इस एप्लीकेशन का तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। क्या यहाँ पे ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन को यहाँ पे तुम देख सकते हो, आई एग्री का जो है टर्म एंड कंडीशन है, इसको तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट लेफ्ट कॉर्नर तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो डिजेबल है इसको तुम इनेबल कर देना। ओके, यहाँ पे इनेबल कर देने के बाद यहाँ पे नेट गार्ड के कुछ यहाँ पे कुछ फ्यूचर है जिसके लिए आपको ओके करना होगा। यहाँ पे तो क्या करने के बाद फिर से यहाँ पे तुम देख सकते हो कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल का जो VPN है अपर एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन व्हेन VPN इज एन एक्टिव, तो इसको आपको एक्टिव कर देना है। यहाँ पे एक्टिव करने के बाद डोंट आस्क अगेन, इसके ऊपर आपको टिक मार कर यहाँ पे वो कर देना है। तो सो गाइस, आप यहाँ पे तुम फिर से बैंक चलाओगे, ये कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। यहाँ पे तुम जिस एप्लीकेशन को ब्लॉक करके रखना चाहते हो, तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो वाईफाई है और यह आपका नेटवर्क, ठीक है। अगर तुम ये दोनों डिसेबल कर दोगे तो अगर तुम्हारा नेट ऑन होगी तो भी आपके पास कोई SMS नहीं आएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थोड़ा, मैं फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप में ब्लॉक करके देखा, तो यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर ये वाईफाई, ठीक है। अगर तुम वाईफाई से कोई कनेक्ट रहते हो तो यहाँ पे वाईफाई से की तरह से कोई SMS नहीं आएगा। अगर तुम्हारा जो मोबाइल नेटवर्क उसकी तरह से तुम करते हो यहाँ पे कोई SMS नहीं आएगा। तो मैं दोनों ही बंद कर चुका हूँ। और मैं यहाँ पे देखते हो यहाँ पे व्हाट्सएप की व्हाट्सएप में वाईफाई और नेटवर्क दोनों ही बंद कर चुका हूँ। तो मेरे दूसरे मोबाइल से मैं एक SMS करता हूँ, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे फास्टली SMS करता हूँ। क्या तो यहाँ पे मैं SMS कर दे ऑलरेडी, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 11:58 पे मैं SMS किया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा यहाँ पे SMS नहीं घुसा है। तो मैं देखते हैं फेसबुक मैसेंजर पे जाकर देखते हैं। यहाँ पे मैसेंजर पर आने के बाद मैं मैसेंजर से एक SMS करता हूँ, क्या दोनों भी हाई करके करता हूँ। यहाँ पे 11:59 हो गए, तो यहाँ पे मैं आप देखते हैं यहाँ पर ऑरिजिनल ऑलरेडी मेरा नंबर 2 नंबर पे व्हाट्सएप एंड मैसेंजर पे मेरा सेंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा जो मैसेंजर की तरफ से है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे ओके कर, यहाँ पे जो ओके का ऑप्शन है यहाँ पे तुम ओके कर दोगे। ओके, ओके नीचे भी जो ऑप्शन है इसको तुम ओके कर दोगे, सब कंप्लीट ओके कर दोगे। यहाँ पे करने के बाद तो मैं ये तुमको वो जो दोनों एप्लीकेशन में ब्लॉक करके रखो उस दोनों एप्लीकेशन में अनब्लॉक करता हूँ पहले। तो इसको मैं अनब्लॉक कर देता हूँ, इसको भी अनब्लॉक कर देता हूँ, हो गया। और व्हाट्सएप की जो है मैसेंजर की जो, इसको मैं अनब्लॉक कर दूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे SMS अभी घुसा है। तुम देख सकते हो अभी बजे 11:59, मैं तुमको बोला था कि मैं 11:58 पे SMS करूँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो 11:58। ओके, तो सो गाइस, आप तुम कोई बिजी हो तो यहाँ पे तुम इस एप्लीकेशन को तुम यूज़ कर सकते हो। नेट अगर खुला है तो आपका मोबाइल डाटा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है प्लीज़ एक प्यार से लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो देखा है, जय हिंद, वंदे मातरम।